हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, आखिर पवनदीप ने क्यों दी सुहाग की निशानी यानी कि चूड़ा, वो भी अग्निता कांजीलाल को, और वो भी खुलेआम सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीला सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में अपने पटाखे और अजूबों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों को दर्शकों को न सिर्फ सुरों की तान सुनानी है बल्कि उनको एंटरटेन भी करना है। और पवनदीप और अरुणिता एंटरटेनमेंट के मामले में तो नंबर 1 बन चुके हैं। तभी तो हम आपको बता दें कि सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर शाइशा यानी कि मिस मोहाली पवनदीप के साथ आपको जहां एक और नाचती गाती नजर आएंगी, तो वहीं उन्होंने अरुणिता को दे दिया बहुत बड़ा तोहफा। हम आपको बता दें कि शाइशा पंजाब से हैं और पंजाब में हाथों में सुहाग की निशानी के तौर पर पहना जाता है खूबसूरत चूड़ा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि अरुणिता कांजीलाल को चूड़ियों का कितना शौक है, और ऐसे में मिस मोहाली हर बार लेकर आती है सबके लिए कोई ना कोई तोहफा, और इस बार ये शैतान ले आई पंजाब कई सुहाग की निशानी यानी कि चूड़ा, जिसको देखकर पवनदीप हैरान रह गए। पवनदीप ने पूछा शाइशा से कि आखिर ये चूड़ा तुम मेरे लिए क्यों लाई हो, जिस पर शाइशा ने कहा कि ये मैं मिस्टर शर्मीले की मिस शर्मीली के लिए लाई हूँ, यानी कि अरुणिता के लिए लाई हूँ। तो ऐसे में हिमेश रेशमिया खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने कह दिया कि अरे मिस मोहाली, ये चूड़ा तो शादी के दौरान पहनाया जाता है। तो ऐसे में शाइशा नहीं रुकी और उन्होंने कह दिया, हाँ मैं तो कह रही हूँ ना कि मुझे ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, ये दोनों जल्दी से शादी कर लें, फिर अरुणिता दीदी ये वाला चूड़ा पवनदीप भैया के नाम का पहन लेंगी। वेल दोस्तों, मिस मोहाली की इस बात पर हर कोई ठहाके लगा कर हंसने लगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस नन्ही शाइशा ने ना जाने कितने सारे फैंस की दिल की बात बोल दी। क्या आप भी हैं एक्साइटेड उस पल के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।